इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सब कैरेक्टर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, तो लिहाजा दिल पे ना लेना। वेलकम टू फर्स्ट इंडो पाक सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड हियर इज अवर फर्स्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, तो आप जजेस को खुश करेंगे आज? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे जजेस को। आप क्या गाएंगे आज? हम कुछ भी गाएं, हमने बस मशहूर मशहूर जजेस को देख के धन्य होना है। धन्य होना है आपको। हाँ। तो चलें फिर, आपको बहुत बहुत पूरे इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए हैं। और हमारी सबकी दुआ है आपकी, आप सेलेक्ट हो जाएं। हाँ 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 हाँ, चलें चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं फिर। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश, आपको इंडो पार्क में क्यों आना है? मैं आके सबको हरा देना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ ओ जाने जाना। ये सिंगिंग है या डांस कॉम्पिटिशन? मुझे तो, मैं तो ये बोलूँगा डांस है ये, इनको डीआईडी में जाना चाहिए। मुझे मौका दीजिए, चांस, एक चांस, नहीं, आपको बहुत एक चांस। नेक्स्ट। तो हमारे कंटेस्टेंट जो हैं राजेश शर्मा भी निकल गए हैं। तो राजेश शर्मा जी, आपको क्या हुआ आपके साथ? इस देश में सच्चे टैलेंट की कदर ही नहीं है, बंद करो नहीं, इसे। ये लगता है बहुत ही नाजुक सूरत हाल हुई है इनके साथ अंदर, और अब अगले कंटेस्टेंट को बुलाया गया। तो हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं वो हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान कराची की शान, लाइक ही इज सो गुड। प्लीज आप सुना है कि आप कराची से? मैं कराची से हूँ जी। अच्छा। और मेरा नाम सरफराज मेमन है। सरफराज मेमन, तो आप आज क्या सुनाने वाले हैं जजेस को और ऑडियंस को? मेरा ओरिजिनल गाना, मैंने खुद लिखा है ये गाना। ओहो, मेरे बस अपनी वाइब्स हैं। ओके, बस यानी फुल कराची माहौल, बस कराची का माहौल बदल देना मैंने गाना गाया। ओहो, ठीक है। तो फिर इस साइड पे तो सी व्यू है, लेकिन आपने अंदर जाके ना? जी जी, जरूर जरूर, प्लीज प्लीज। चलो, थैंक यू। आपको इंडो पार्क में क्यों आना है? बस हमको ये भी दिखाना कि कराची के भी लोग कितने टैलेंटेड हैं। शाइनिंग इन द सीलिंग सन लाइक अ बॉल ऑफ पानी, ओशन कम फील मी, ओ फील मी। शाइनिंग इन द सीलिंग सन लाइक अ बॉल ऑफ पानी, ओशन कम फील मी, ओ फील मी। थिंकिंग अबाउट द लव इन मेकिंग नैना लाइक अ शॉन, ओ फील मी, ओ फील मी। ये क्या गाया है आपने? बोलेंगे यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, कर क्या कुछ समझ में आया आपको? नहीं, ये शाइनिंग इन द सेलिंग सन क्या है ये? चलो निकलो भाई, जाओ आप जाके प्रैक्टिस करो। तो सरफराज मेमन का ऑडिशन हो गया, तो वो आ गए, अब यमुनी की जुबानी सुनते हैं। सरफराज सुनाइए, कैसा रहा आपका ऑडिशन? बस यहाँ पे कराची की कोई इज्जत नहीं है हमारे, हम जैसे लोंडो की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं वकार भाई के शो पे चलाया था। वकार भाई के शो पे? वकार भाई के शो पे चलाया था मैं। अरे लिविंग ऑन द एज, यहाँ पर तो सिलेक्शन नहीं होनी। देखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड था सर। भाई बस मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी कराची का आ रहा है ना इधर, तो वकार भाई के पास आ जाओ, ज़्यादा अच्छा है, सबकी सिलेक्शन हो जानी है। तो हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट जो आए थे राजेश शर्मा, उनकी तो सिलेक्शन हुई नहीं, उनके कुछ नाजुक सूरत हाल थे। और दूसरे आए हमारे सरफराज मेमन, जिनकी जिनका पैशन था वकार जगह के शो में जाना, लेकिन उनको यहाँ पर अपना लक ट्राई करने आए थे। तो अब हमारे पास आ रहे हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो हैं अपने मुंबई से, और बाबू बंटाय। क्या क्या नाम है आपका? बाबू बंटाय नाम है। बाबू बंटाय, बहुत अच्छा नाम है आपका। आप क्या गाने वाले? धन्यवाद धन्यवाद। अपन दूसरे लोग के माफिक नहीं चे क्या? अच्छा, अपन बहुत ही हटके गाने वाले। क्या मतलब, आप क्या गाएंगे अंदर जाके? ये तो तुम लोग देखेगा ना, फिर पब्लिक को दिखाएगा ना। क्या बोलती पब्लिक? फिर क्या बोलती पब्लिक? फाड़ के रख देगा, चीर के रख देगा। ओहो, यही जज्बा, यही अपना जुनून आप लेके अंदर जाएं, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप सिलेक्ट होकर आए, क्योंकि दिन से हम सुबह से लगे हैं, अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई, मुंबई के हैं, क्या समझ रहे? तो इसी के साथ चलते हैं, हल्के में नहीं लेने का, हल्के में नहीं लेने का। तो अभी अपन जाते हैं, तकदीर का टोपी लेके आते हैं। इसी से हम फिर चलते हैं और देखते हैं कि बंटाई भाई क्या करते हैं अंदर जाके। आपके सामने आया आज बाबू बंटाय, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।
तू लटका के झटका के चलती है फटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा क्या तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई हाई नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा लगती है माशाल्लाह। अपन लिरिक्स भूल गए। आपको अपने लिरिक्स तक याद नहीं है यार, आप प्रैक्टिस करें और फिर अगले साल ट्राई करें, इस साल आपसे ना हो पाएगा। जजेस लोग अपन दिन रात मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है, स्ट्रगल करता है, फिर रात को अपना कोलिंग का सफाई भी करता है, ठीक शाम 5 बजे बिजली चला जाता है, कट ऑफ हो जाता है। अपन अपना बूढ़ी माँ को खाना बना के देने की पूरी कोशिश करता है। अपन यानी आप अपन लोग के लिए भगवान भगवान के माफी गए। रो नहीं प्लीज। अपन सेलेक्ट है, हाँ अपन सेलेक्ट है। बेचारा बंटा है, बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। He deserves this job. तो इसी के साथ हमारे पास बहुत खुश बंटाई बाबू भाई, बाबू बंटाई आ रहे हैं हमारे पास, बहुत खुश हैं। आपकी आंखों में आंसू। मैं अपन पहले ही बोला था अपन अंदर जाएगा तकदीर की टोपी लाएगा। नहीं आप जज्बात में लग रहा चले गए, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, कुछ आप हमें शेयर करना चाहिए। अंदर ऐसा हो रहा है कि बोले अपन को गाने नहीं आता, पर अपन उनको अपना दुख भरा कहानी अपना सारा दास्तान सुना के आ गया। ओहो तो आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको आप मुंबई आ रहे हैं फिर। अपन अपने शहर आ रहे हैं। ओहो ये तो मुंबई आ रहे हैं, मुंबई में गाएंगे ये। तो आपके आप फ्यूचर के लिए आपके बहुत अपन का पब्लिक आके अपन को जिताएगा। ओके सारा वोट अपन को ही डालेगा। ओके तो फिर देखते हैं। नाम याद रखने का। तो बाबू वंटाए ले गए बाजी, क्या हमारे अगले कंटेस्टेंट जो पाकिस्तान से हैं क्या ये जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगे? प्लीज वेलकम। आपका नाम? दौलत खान मेरा नाम। दौलत खान आप पाकिस्तान में कौन से इलाके से हैं? मैं कोटा का है। अच्छा आप कोटा के पठान हैं। अच्छा तो आज आपको लगता है कि आपको तकदीर की टोपी मिलेगी? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, तकदीर का टोपी भी मिलेगा और उसके अंदर का सामान भी मिलेगा, मैं नस्वार भी बना के देगा। अच्छा तो आपको लगता है कि ये सही है कि नस्वार रख के गाना गाएगा? तुम देखो हमारा जज्बा जुनून जागेगा अंदर, तो अब देखते नस्वार का नशा तुम नहीं जानता है। अच्छा अच्छो को आतिफ असलम हमारा बेटा है, नस्वार का एक चुटकी रखता है बुलंदों में जाता है। अब हम ये देखेंगे क्या दौलत खान जीत सकते हैं तकदीर की टोपी। लेट्स सी। दौलत खान प्लीज स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नस्वार चाहिए? नहीं नहीं प्लीज अभी आता है। मेरा नाम दौलत खान है। क्या गाएंगे आप गाना बोलेगा मैं गाएगी। इनको कौन सा गाना दिया जाए? इनको गाना वो यार वो उनकी इनकी इनकी लहजे में वो सुनते हैं कभी पहले तो कभी कभी गम था, आप वो सुनाए। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल तेरी याद सताती है, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। पल तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। आपने गाना हमसे मांगा लेकिन हमको वो मज़ा नहीं आया जो हमको चाहिए था आपसे, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप? हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं इतनी दूर कोयटा से आई ये लेकर आए मैं, तुम मेरे को सेलेक्ट करेगा नहीं करेगा क्या? ओ भाई ये क्या? मैं इतनी दूर से चल के आया, तुम सेलेक्ट करेगी? करेगी तुम सेलेक्ट मेरे को? हम तो मजाक कर रहे थे। आपकी तो सिलेक्शन होगी यार। यार ऐसे ऐसे फाइनल कोटा में होगा मेरे घर के पास। कोटा में ही होगा? कोटा में है, कोटा में करेंगे आपके लिए फाइनल। नो हार्ड फीलिंग्स, किसी का भी खैर नहीं होगा अगर मेरे इलाके में फाइनल नहीं होगा। यार ऐसे ऐसे लोग आके गोली लेके मैं
तो दौलत खान अभी आ रहे हैं, अभी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ अंदर और क्या सही। अंदर जाएगी मेरे सिलेक्शन होगी, तुमको ये दिखती, ये अच्छे अच्छे को सिलेक्ट करती, जो सिलेक्ट नहीं करती वो सीधा ऊपर को जाती। मैं समझ गया। अभी आप सेलेक्ट करती, आप मुंबई आ रहे हैं। मुंबई क्यों आ रहे हैं? मैं क्वेटा जाएगा, मेरे क्वेटा में शो क्वेटा में चलेगा। हम लोगों का शो मुंबई में नहीं होने वाला, हम इसको फाइनल्स जो है ना फाइनल्स हम क्वेटा में करेंगे, हम क्वेटा के पास आपके घर के साथ करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया तुमको। नस्वार देगा तुम क्वेटा आएगा, मैं तुमको नस्वार देगा। जरूर जरूर चलता है, फिर मिलता है मैं तुमको क्वेटा में फाइनल में। तो देखा आपने कि कैसे दौलत खान जो है वो जीत गए, वो फाइनल्स में आ गए। मुझे तो बस डर ये लग रहा है कि वो ऑडिशंस में अगर गन लाएंगे तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब लाने वाले हैं फाइनल्स में।